देखते हैं क्या होता है। ओके गुड, यहाँ पर निकलते हैं अब। ठीक है, ओके, सेलिंग ऑर्डर्स। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, बर्लिन ऑन द साइट, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो फ्रॉम ट्रेड लिख बर्लिन। यार आज बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक्सपायरी है, दैट मीन्स थर्सडे है। टाइम हो रहा है 9:40, मतलब पूरा दिन है अपने पास। ओके, सो वी आर गोइंग टू मेक लाइव हीरो जीरो ट्रेड। आप जानते होंगे दो तरह की हीरो जीरो ट्रेड बनाता हूँ मैं, एक होती है मोमेंटम एंड दूसरी होती है जिसको मैं होल्ड करता हूँ। जैसा कि मेरे पास पूरा दिन बचा हुआ है तो मैं एक ऐसी ट्रेड बना सकता हूँ जिसको मैं होल्ड कर सकूँ। ठीक है, लेट मी शो यू द चार्ट्स फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यार, ये है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना निफ्टी ने क्या किया है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पर देखना, ये है ऑल टाइम हाई। ठीक है, निफ्टी ने फर्स्ट टाइम जब ऑल टाइम हाई के पास आया तो वहाँ से एक फॉल लाया, दूसरी बार जब गया तो वापस से वहाँ से फॉल लाया, एंड अब तीसरी बार जा रहा है, दैट मीन्स इट्स अ थर्ड नॉक। ओके, वी कैन नॉट टेक अ रिस्क इन डाउन साइड। मार्केट जब भी नीचे जा रहे हैं बाय हो जा रहे हैं। ठीक है, जब भी नीचे जा रहे हैं बाय हो जा रहे हैं, तो अपन ये एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट आ जाएगा। ओके, एंड सेम इस पर्पस के हिसाब से इस लेवल पे एक ट्रेड लेने वाले हैं। नाउ लेट मी शो यू कि मैंने स्ट्राइक क्या चूज कर रखी है, हालांकि अभी तक ले रखी नहीं है, बट मैं चूज करके रखा हूँ। जस्ट एक स्ट्राइक हो गई ये, एंड अगर मेरे को हेज करना है, ठीक है, अगर मैं हेज भी करूँगा यहाँ तो भी मेरे को बेनिफिट है, 12 रुपये का प्रीमियम है। एंड अगर वॉलीटिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है तो मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है, विक्स 2% अप है। ओके, सो कुल मिला के मज़ा आने वाला है, देखते हैं क्या कर पाते हैं। अगर हेज होता है तो हेज लेंगे, एंड कितना ROI निकाल पाते हैं वो मेन है। ओके, सो देखते हैं गाइस, जो भी रहता है अपडेट करता हूँ, तब तक के लिए वेट करो। ओके ओके, सो मैंने यहाँ पे डिप पे एक एंट्री बना लिया है। नाउ द थिंग इज़ वी हैव टू होल्ड द ट्रेड एंड देखते हैं क्या कर पाते हैं। कितने रुपए पे खरीदा है, 5.94, दैट मीन्स 6 रुपए पे। ओके, टारगेट क्या कर सकते हैं भाई, 50% अगर ROI निकालना है तो 9 रुपए टारगेट कर सकते हैं, अगर 100% ROI निकालना है तो 12 रुपए टारगेट कर सकते हैं। द थिंग इज़ वी हैव टू होल्ड इट नाउ एंड वी हैव टू सी कि कहाँ जाने वाले हैं अपन। ओके, दैट्स इट गाइस, लेट्स सी, लेट्स वेट एंड देखते हैं क्या होता है। ओके, सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन गाइस। आप देख लेते हैं मार्केट कर क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। देखो यार, ये चार्ट्स पे आ गए अपन, अपनी एग्जिट एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले तो आपको। देखो, ये स्विंग का लो है, ये स्विंग का हाई है। ठीक है, 0.5% एरिया, जिसको अपन फिबोनाची का 0.5% एरिया बोलते हैं, वो है ये लेवल। इस लेवल के नीचे अगर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो अपन सिंपली मार्केट से एग्जिट ले लेंगे बिना किसी क्वेश्चन के। ठीक है, इस एरिया के नीचे 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है तो सिंपली मार्केट से निकल जाएंगे भाई, क्योंकि रिस्क उतना ही लेना है जितना क्षमता हो, समझ रहे हो ना। सो दैट्स इट, सिंपली इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, निकल जाएंगे। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। अभी क्या लॉस चल रहा है, 26,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से 75,000 के आसपास का लॉस होना चाहिए, 70,000-75,000 के आसपास का होना चाहिए। देखते हैं गाइस, वेट करते हैं। ओके, सो ग्रेट, नीचे के लेवल से बाइंग दिखी है। ओके, लेट मी शो यू इन द चार्ट्स कि क्या हो रहा है अभी। ठीक है, अभी प्रॉफिट ठीक ठाक मिल गया अपने को, लगभग 58,000 के आसपास का एक प्रॉफिट देखने को मिला है। नाउ लेट मी शो यू इन द चार्ट्स कि क्या हुआ है नीचे के लेवल से। यहाँ पे देख रहे होगे, फिर से रेजिस्टेंस के पास से एक नॉक आया है। ये अगर टूटता है तो अपसाइड ब्लास्ट होगा, एंड अगर नहीं टूटता है तो वापस से मार्केट वहीं जाने वाला है। ओके, देखने वाली बात होगी गाइस कि क्या होने वाला है। यहाँ पे अपने को 9 रुपये अगर मिलता है तो अपन 50% क्वांटिटीज तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, एंड बाकी देखेंगे क्या कर पाते हैं। एज ऑफ नाउ वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू सी कि अभी किस चीज़ पे अपन जाने वाला है। ओके, लेट्स सी गाइस। ओके, सो यहाँ पर कम्प्लीटली ट्राई कर रहा है ब्रेक करने का, बट क्या पता क्या होने वाला है। दिखा दूँ आप लोगों को, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर ट्राई पूरा चल रहा है, बट मेरे को पता है कि ये ऑल टाइम हाई है, इतना आसान नहीं है ब्रेक करना ऑल टाइम हाई को। एंड वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके गुड, यहाँ पर निकलते हैं अब। ठीक है, ओके, सेलिंग ऑर्डर्स। ठीक है, कितने क्वांटिटीज निकाल लिए अपन ने, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे 7200 क्वांटिटी सिर्फ बची है, जिसको भी अपन जिसको अभी आगे निकाल देंगे। ओके, सो एज ऑफ नाउ अपन ने कितना परसेंट ROI निकाला है। यहाँ पे अपन ने बुक किया है ऑलमोस्ट 6 रुपये पे था, एंड अपन 10 रुपये के आसपास बुक कर रहे हैं। ठीक है, 10 रुपये के आसपास बुक कर रहे हैं, दैट मीन्स अबोव 50% ROI फॉर नाउ। बाकी देखते हैं गाइस, इसके ऊपर जाता है मार्केट तो क्या होता है, क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ बस मैंने
7200 क्वांटिटीज होल्ड कर रखी है एंड बाकी को ट्रेल पे डाल दिया है, ठीक है। इतनी क्वांटिटीज मतलब अपन कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स वेट। ओके, सो द ट्रेड इज बैक टू कॉस्ट। देख रहे हो ऑप्शन बाइंग कैसे वर्क करता है। यहाँ पर मेन अपने को दिमाग में रखना रहता है कि अपने को निकलना कब है, बुक कब करना है, ठीक है। मैंने वहाँ पे काफ़ी क्वांटिटीज निकाल दी, अच्छा हुआ, अदरवाइज अभी पूरे प्रॉफिट वाइप डाउन हो गए रहते। एंड नियर अराउंड वापस से 5.9 के आसपास आया था ट्रेड, जो कि अपना बाइंग प्राइस था। एंड लेट मी शो यू इन द चार्ट्स। चार्ट्स में देखो वो कैंडल का कितना प्यारा रिजेक्शन है, ऑल टाइम हाई है ना यार, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। ओके, इसका ब्रेकआउट होता है तो ये ट्रेड 30-40 रुपये भी जा सकती है। ओके, बट यहाँ पर मार्केट का मोमेंटम होना ज़रूरी है। ओके, मार्केट इज करंटली रेंजिंग, ओके, रेंज कर करके ऊपर जा रहा है। बुलिश मोमेंटम इसके ऊपर बिल्डअप होगा तो और ट्रेड बना लेंगे, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ वी आर गुड एंड वी हैव टू सी कि अब आगे क्या करना है। स्टॉप लॉस तो कॉस्ट पे है, दैट मीन्स नियर अराउंड 5.40 रुपीज़ पे लगा के रखा हूँ, निकल जाऊँगा साफ साफ अगर इसके नीचे जाएगा मार्केट तो। ओके, दैट्स इट, वेट करते हैं। ओके, सो जो ट्रेड है वो आज भी है मतलब डाउन, तो अपन सिंपली निकल जाते हैं एंड अपन ने कितनी परसेंट आरओआई ट्रिक की है वो देख लेते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जाएंगे एंड सबसे पहले तो एग्जिट लेंगे, ये अपन ने लिया एग्जिट एंड जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये अपन ने एग्जिट ले लिया, 62,000 का प्रॉफिट है। कितनी क्वांटिटीज ले रखी थी अपन ने, अपन ने ली थी 25,000 क्वांटिटीज, ठीक है। कितने का इन्वेस्टमेंट था भाई, 5.7 रुपये, 1,42,000 रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट था। रिटर्न्स कितने निकले हैं, 62,000 रुपीज़। ओके, अगर 70,000 होते तब अप्रॉक्सीमेटली 50% रिटर्न्स होते, बट अभी नियर 40% के आसपास निकला जो कि ऊपर था काफ़ी उस टाइम अगर बुक कर लेते। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो है बढ़िया है। ओके, द थिंग इज वी हैव टू फॉलो अवर रूल्स एंड दैट्स इट। ओके, वी हैव टू फॉलो एंड वी हैव टू स्टिक विथ अवर रूल्स, दैट्स इट गाइस। आई होप कुछ ना कुछ तो सीखे होगे एंड बस हो गया आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे कल, बाय बाय, टेक केयर।